नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। खबरों का रुख करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हल्ला बोल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में हल्ला मचा हुआ है। एक के बाद एक विधायकों के इस्तीफों की झड़ी लग गई है। एक के बाद एक बीजेपी विधायक बीजेपी से इस्तीफा दे रहे हैं और यह सिलसिला बदबस्तूर जारी है, लगातार चल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद लगातार बीजेपी विधायक इस्तीफा दे रहे हैं। आज शिकोहाबाद से भाजपा के विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा से पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भेजा है। मुकेश वर्मा के इस्तीफे के बाद से औरैया जिले के विधुना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए विनय शाक्र का भी नाम जुड़ गया है। उन्होंने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद मुकेश वर्मा ने कहा कि बीजेपी में पिछड़ों का भला नहीं किया। विनय शाक्य का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य दलितों की आवाज है और हम नेता के साथ हैं, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हैं। वहीं इसके बाद लखीमपुर के धौरारा से विधायक बाला प्रसाद अवस्थी ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। ये सभी नेता 14 तारीख को समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। हमें मालूम था कि अंतिम दिन तक ये काम कर सकते हैं। जब हमें पता चल गया कि अब ये काम नहीं करेंगे तो किधर बैठेंगे, किधर बैठेंगे भी जा करते हैं। इतने सारे जहां सोचने का हित हो, पिछड़ों का हित हो, अल्पसंख्यक का हित हो, बेरोजगारों का हित हो, 23 करोड़ उत्तर प्रदेश के देशवासियों का हित हो, वहां रहना चाहिए। सब कुछ हावी रहा, केवल अपना पेट भरना ही उनके ब्लड में रहा। उन्होंने केवल अपना पेट भरा, अपने लोगों का पेट भरा, उन गरीबों का पेट नहीं भरा। मेन वजह क्या रही है? 23 करोड़ जनता से कहना चाहता हूँ, अपने बहन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ 2017 में इतना वोट दिया था और ये भरोसा किया था कि भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के काम करेगी। सर, एक आखिरी सवाल, 240 जो विधायकों का, मैं इससे पूर्व में हमेशा आता रहा हूं और मुझे इस घर में आते आते 27 साल हो गई है। ये मेरे गार्जियन स्वरूप है और राजनीतिक संरक्षण भी इन्हीं का रहता है हमेशा। आपको मालूम होगा कि सदन में 140 विधायकों ने और अप्रत्यक्ष रूप से कुछ मंत्रियों ने धरना दिया था। वो इसी परिपेक्ष में दिया था, लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया गया था सरकार के दबाव में। सरकार के सत्ता की पावर के कारण उनकी आवाज दबा दी गई थी, लेकिन आग उसी दिन से सुलग रही थी, समय का इंतजार कर रहे थे। आज भी मुलाकात हुई थी, राष्ट्रपति वहाँ आए थे, तब भी बहुत तारीफ की थी सरकार की और अपने विभाग के काम काज की। तो मैंने बढ़िया काम की है तो मैं अपनी सरकार अपने काम की तो तारीफ करूंगा ही। जिन जिन मंत्रियों ने अच्छे काम किए मैं तारीफ कर रहा हूँ, करता हूँ, करता रहूंगा। सबसे बड़ी नाराजगी किससे थी? अधिकारियों से थी, जो प्रदेश स्तर के नेता उनसे थी, या जो किससे नाराजगी थी? देखिए, जो सरकार चला रहे थे उनसे नाराजगी थी। जो किसी का भी ना कोई थाने में सुनने वाला था, हमारे कार्यकर्ता हेलमेट के चालान के ऊपर पिटाई हुई उनकी, हेलमेट के चालान के ऊपर उनसे जो है वसूली की गई है पूरे तरीके से। उत्तर प्रदेश का हर वर्ग, जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर का वर्कर था, जो पदाधिकारी था, उसका भी शोषण हुआ, उसकी मार पिटाई हुई है, पुलिस ने पूरे तरीके से उनका शोषण किया। तो हम आपको बीजेपी के बागी विधायकों की बात सुना रहे थे। उनका आरोप है कि बीजेपी में तानाशाही चल रही है, काम करने का मौका नहीं मिल पाता है। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में हल्ला मचा हुआ है। एक के बाद एक विधायकों के इस्तीफों की झड़ी लग गई है। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीते 2 दिनों में यूपी की योगी सरकार और बीजेपी के जिस तरह से इस्तीफों की झड़ी लगी है, उसे देखते हुए अटकलें भी लग रही है कि अभी और इस्तीफे हो सकते हैं। सूत्रों से ऐसा भी पता चला है कि ऐसे कुल 13 विधायकों की लिस्ट है जो कि बीजेपी छोड़ सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य तो 14 तारीख को धमाका करने की बात कह चुके हैं। मंगलवार 11 जनवरी को कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा का ऐलान करके धमाका कर दिया। उनके साथ 3 अन्य विधायकों ने भी बीजेपी छोड़ दी है। इसके अगले दिन ही यानी कि कल 12 जनवरी को वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान का भी इस्तीफा हो चुका। तो 13 जनवरी यानी कि आज भी कई विधायकों के इस्तीफे देने की खबर भी सामने आ रही है।
हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे हैं कि कौन कौन से विधायक इन तीन दिनों के अंदर इस्तीफा दिए हैं और बीजेपी से बागी हुए हैं, जिसमें से दो कैबिनेट मंत्री जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह शामिल हैं, इनके साथ और विधायक हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों कैबिनेट मंत्री ने यह कह दिया है कि 14 तारीख यानी कि कल मकर संक्रांति के दिन एक बड़ा धमाका होने वाला है। बड़ा धमाका अब क्या होगा ये मकर संक्रांति को पता चलेगा, लेकिन मंत्रियों के संपर्क में कई विधायक हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के योगी मंत्रिमंडल और बीजेपी से इस्तीफे के बाद उठे सियासी तूफान के बीच सुल्तानपुर जिले से एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। ये वारंट सात साल पुराना है। सात साल पुराने मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ ये वारंट जारी हुआ है। साल 2014 में देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बुधवार को पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अदालत में हाजिर नहीं हुए, लेकिन ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि एक एक साजिशन षड्यंत्र इन्हें करार जवाब दूंगा। साथ ही यह भी कहा कि एक ही नहीं बल्कि दर्जनों केस अब मेरे ऊपर लग जाएंगे, पर मेरे मनोबल कम नहीं होगा। सपा में शामिल होने पर कहा कि कल का शुभ मुहूर्त है। जो भी न्यायिक प्रक्रिया के तहत मैं न्यायपालिका में उपस्थित हूंगा और साथ ही साथ मैं स्वयं हाईकोर्ट में एडवोकेट था। मैं न्यायपालिका में पूर्ण आस्था रखता हूं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की एक एक शरारत का, एक एक साजिश और षड्यंत्र का मैं ऐसा करारा जवाब दूंगा, ऐसा करारा जवाब दूंगा कि इनको छठी का दूध याद रहेगा कि किसी से मेरा पाला पड़ा हुआ। तो आपको लगता है कि भाजपा का लिए इसमें है कि जो कोर्ट केस खुला है? आठ साल पुराना केस, मंत्रिमंडल पर से इस्तीफा देते ही दूसरे दिन अगर नॉन वेलिबल वारंट जारी हुआ है तो मकसद क्या है? अपने आप जाहिर है। इसलिए एक नहीं दर्जनों केस इस प्रकार से भी लगेंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य का मनोबल कमजोर नहीं होगा, बल्कि जितना ये छेड़ेंगे हम उतनी ही तेजी के साथ इन पर हमलावर होकर के नष्टनाबूद करेंगे। आपने ट्वीट किया कि 14 तारीख को आप इतिहास लिखेंगे, आप कहां जाएंगे? समाजवादी पार्टी में कितने लोगों के साथ, आपके साथ और कौन कौन लोग जा रहे हैं? कल की वो शुभ मुहूर्त जब मेरी घोषणा होगी तब वहां पर जनसलाब, हुजूम, समर्थकों की भारी भीड़, विधायकों, मंत्रियों, कहां समाजवादी पार्टी में जो इस्तीफा दे के आएंगे उनकी एक लंबी कतार देखने को मिलेगी समाजवादी पार्टी में, वो भी कल देख लीजिएगा। 100 लोगों के, 200 लोगों के, कितने लोग होंगे? आप जितनी भी गिनती गिन सकेंगे वो सब आपको मौके में मिलेगा। सामने सवाल है, अभी आपने ट्वीट किया है और आपने कहा है कि आरएसएस को साफ बताया है और बीजेपी को भी आपने कहा है, जो दूसरों का हक निकले, जो अनुसूचित जात जनजाति का आरक्षण अजगर की तरह निकल जाए, जो पिछड़ों का आरक्षण सीधे सीधे मस्त होकर के चट कर जाए। राजनीति में सांप नेवला का खेल लगातार चलता रहता है। नेताजी जब पार्टी में रहते हैं तब तक वो पार्टी विकासशील और गरीबों की हितैषी होती है, लेकिन पार्टी छोड़ते ही उसी पार्टी उन्हें सांप और नाग दिखाई देने लगता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से इस्तीफा देते ही बीजेपी पर वार करना शुरू कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि नाग रूपी आरएसएस एवं सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला यूपी से खत्म करके ही दम लेगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट दिखा रहे थे। इस पूरे प्रकरण में दिलचस्प और हैरान करने वाली बात यह भी है कि बीजेपी से जो जो विधायक इस्तीफा दे रहे हैं उन सब की तस्वीर अखिलेश के साथ है, जो इस्तीफे के बाद ही अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं। एक बार फिर यूपी सरकार में आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी के इस्तीफे के बाद अखिलेश ने उनके साथ एक और तस्वीर ट्वीट की है और लगातार ये तीन दिनों से सिलसिला चल रहा है। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा है कि सामाजिक न्याय के एक और योद्धा डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी के आने से
सबका मेल मिलाप मिलन कराने वाली हमारी सकारात्मक और प्रगतिशील राजनीति को और भी उत्साह और बल मिला है। सपा में उनका सम्मान, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। 22 में समावेशी सौहार्द की जीत निश्चित है। दिल्ली में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों के नाम पर विचार के लिए भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। इस मीटिंग में वर्चुअली रूप से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। वहीं बैठक खत्म होने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत हुई मुखातिब हुए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमने 172 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम के बारे में चर्चा कर ली है। हम यूपी विधानसभा चुनाव में 2017 की तुलना में बड़ी जीत हासिल करेंगे। उन्होंने बताया कि 172 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम को अंतिम रूप देने के लिए हुई इस बैठक में पीएम मोदी, बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। आज केंद्रीय चुनाव समिति की उत्तर प्रदेश को लेकर जो बैठक संपन्न हुई उसमें 172 विधानसभा सीटों को लेकर के चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने की। बैठक में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी सहित पूरी केंद्रीय चुनाव समिति मौजूद रही। और आज की इस बैठक के माध्यम से जो 172 सीटों को लेकर चर्चा हुई बहुत सार्थक हुई और भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय, जैसी विजय हमने 2017 में प्राप्त की थी उससे भी शानदार विजय हम 2022 में प्राप्त करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का संग्राम शुरू होने से पहले दल बदल की सियासत चरम पर है। इस बीच भाजपा के विधायक और आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के इस्तीफे से हड़कंप मच गया है। इसके साथ यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय के एक और योद्धा डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी के आने से सबका मेल मिलाप मिलन कराने वाली हमारी सकारात्मक और प्रगतिशील राजनीति को और भी ज्यादा उत्साह और बल मिला है। सपा में उनका सम्मान, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। 22 में समावेशी सौहार्द की जीत निश्चित है। बता दें कि अब तक भाजपा के 3 मंत्री और 11 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। तो आपको बता दें कि लगातार इस्तीफों का दौर उत्तर प्रदेश में चल रहा है और जो इस्तीफा दे चुके हैं जो बागी लोग हैं उनका भी कहना है कि बड़ा धमाका भी होने वाला है। तौकीर किदवई हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। हम तौकीर किदवई आपके पास चलते हैं। तौकीर, लगातार इस्तीफों का दौर चल रहा है और साथ में धमकी भी आ रही है कि 14 जनवरी को बड़ा धमाका होगा। तौकीर जी बिल्कुल, अभी जो इस तरह के चर्चाएं हैं उसमें बताया जा रहा है कि कैसरगंज के विधायक मुकुट बिहारी वर्मा भी अब लिस्ट में जल्द जुड़ सकते हैं और उन्होंने अपना आवास भी खाली कर दिया है। इस तरह की चर्चाएं फिलहाल सामने आ रही हैं और बताया जा रहा है कि ऐसे और कई नाम हैं जो बड़े नाम है भारतीय जनता पार्टी में, वो जल्द से जल्द समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। और कल का दिन बहुत अहम होने वाला है क्योंकि मकर संक्रांति के दिन ये सभी लोग ऑफिशियली तौर पर अखिलेश यादव से मिलेंगे और इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है और जिसमें प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी हो सकता है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। तूफानी सरोज जी हैं, 3 बार के सांसद हैं और इनसे पूछेंगे कि किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में और अभी जिस तरह से आप पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचल की राशि में उलट फिर ज्यादा नजर आ रहा है। पूर्वांचल में नहीं, पश्चिम से लेके पूरब तक, उत्तर से दक्षिण तक पूरा जो है परिवर्तन की लहर चल रही है। पूरे प्रदेश की जनता योगी और मोदी के ढोंग को समझ गई है और जनता इनसे जो है कि छुटकारा चाहती है और छुटकारा चाहने के लिए पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है, ऐसा प्लेटफार्म, इतना मजबूत प्लेटफार्म है कि समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी। नहीं, एक सवाल और खड़ा होता है, जब ये बाहरी नेता आएंगे तो क्या अंतरकलह की भी कुछ संभावनाएं हैं जो पहले से पार्टी में? अंतरकलह की संभावना नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय सर्वमान्य है। सारे लोग जो है कि परिवर्तन चाहते हैं, अगर कहीं किसी तरह का कोई कमी बेसी होगा तो समाजवादी पार्टी के लोग इतना सुलझे हुए हैं, इतना समझे हुए हैं कि उस चीज को राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय को मानते हुए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हरा करके
समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के तो कह सकते हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है कि हमारे साथ ही जो बीजेपी के लोग हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं वो शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का कुनबा मजबूत हो रहा है। अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े, उनके पास भी चले गए। अनूप कुमार सिंह, एक तरफ बीजेपी में घमासान मचा हुआ है, इस्तीफे का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ 172 कैंडिडेट का नाम भी फाइनल हो चुका है। अनूप, दिल्ली कोर कमेटी की बैठक चल रही थी जिसमें आज उसको समाप्त कर दिया गया है। हालांकि अब जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, चाहे केशव गौर की बात करें या सुखद देव सिंह की बात करें, उनकी जिम्मेदारी जरूर तय कर दी है, यही है कि उत्तर प्रदेश में जो पार्टी विधायक हैं या फिर जो नाराज चल रहे हैं उनके बीच में एक बैठ कर उनसे बात करके उनकी नाराजगी दूर करना है। ऐसे में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती, क्योंकि अपने जो अपने आप जो पार्टी के जो विधायक है वो नाराज है, उनको किसी प्रकार से मनाना है, और साथ ही साथ जिताऊ प्रत्याशी जो जिन विधायकों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा उत्तर प्रदेश में, जो हार की गंगार पर है, भले ही मंत्री हो, उनको उनका टिकट कैसे बदला जाए और जो वर्तमान में विधायक उनको कैसे बनाया जाए, एक बड़ी चुनौती है। कल लखनऊ में एक बड़ी बैठक होने वाली है, इस बैठक में तमाम जो चीजें हैं उसमें निर्णय लिए जाएंगे। कल खरमास की आज रात से खत्म हो जाएगा, कल मकर संक्रांति अच्छे दिन आ जाएंगे, शायद इसी वजह से भाजपा या तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपनी जो सूची वो नहीं जारी कर रहे थे, कल से कहीं ना कहीं सूचियों का दौर वो जारी हो जाएगा। भाजपा कहीं ना कहीं 172 सीटों पर जो केशव मौर्य बता रहे थे वो अंतिम रूप ले चुके हैं, उसकी सिर्फ आधिकारिक घोषणा ही बाकी है, यानी कहीं ना कहीं वो सब चर्चाएं हो चुकी है। अब कल लखनऊ में जो बैठक होगी वो महत्वपूर्ण होगी, साथ ही साथ जो लगातार जो विधायक या फिर मंत्री लगातार चूक रहे हैं, अभी तक 3 मंत्री और करीब 9 विधायक टूट चुके हैं, कहीं जो मुकुल बिहारी वर्मा का कहीं न कहीं इस तरीके से आवाज छोड़ना, सुरक्षा छोड़ना, ये कहीं न कहीं भाजपा के लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है, क्योंकि लगातार मंत्री छोड़ रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं भले ही भाजपा को बिल्कुल तो कह सकते हैं कि कल का दिन बेहद ही खास होने वाला है। हालांकि साल की शुरुआत भी कहा जाता है कि मकर संक्रांति से होती है, और कल शुरुआत होगी और अच्छी खबर उनके लिए होगी जिनका 172 नामों में नाम होगा, और उनके लिए भी होगा जो राजनीति की नई शुरुआत करेंगे नई पार्टी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप कुमार सिंह और तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब देवभूमि के खबरों का रुख करते हैं, और बता दें कि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत अपनी मौजूदा कोटद्वार सीट छोड़कर केदारनाथ सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, जिस पर औपचारिक मोहर लगने से पहले ही विरोध भी शुरू हो चुके हैं। केदारनाथ की पूर्व विधायक और भाजपा से टिकट की प्रबल दावेदार शैला रानी रावत ने हरक सिंह रावत को बाहरी व्यक्ति करार दे दिया है, साथ ही संगठन से भी मांग की है कि स्थानीय व्यक्ति को ही टिकट सौंपा जाए। मैं विरोध की बात तो नहीं करती हूं, लेकिन आने वाले समय में परिस्थिति देखूंगी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को अनुकूल अवसर देगी, और जिताऊ कैंडिडेट भी हैं वहां पे। मैं तो स्वयं इस समय जनता में बहुत बड़ी सद्भावना है, एक लंबी बीमारी के बाद लौटी हूँ, और जो मेरे पूर्व में किए गए काम हैं हमारी जनता को बड़ी उम्मीदें हैं, और मैं ये भी कहूँगी कि वहीं का होना चाहिए निवासी, क्योंकि वो अपनी विधानसभा को पालता पोसता सजाता संवारता है, अपना दुख सुख का साथी होता है। बाहर के जो भी कैंडिडेट हैं उन पर थोड़ा सा उतना काम तो कर सकते हैं, वो जो बहुत अच्छे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, बड़े पदाधिकारी, लेकिन वो संवेदना नहीं हो सकती। तो वही शैला रानी रावत की इस मांग पर हरक सिंह रावत ने सीट बदलने की चर्चाओं और केदारनाथ विधानसभा सीट से दावेदारी को लेकर बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि मैं कोई पाकिस्तानी नहीं हूं, और उन्होंने क्या कुछ कहा है हम आपको सुनाते हैं। क्या मैं पाकिस्तानी हूं? चाइना से आया हूं, अरे उत्तराखंडी हूं, भारत का नागरिक हूं। मुझ पे आरोप लगा जब मैं लसरों से चुनाव लड़ा, लोगों ने मुझ पे भार होने का आरोप लगाया। लसरों के लोगों साथ पूछो कि सबसे ज्यादा काम लसरों में किया कि नहीं किया मैंने ईमानदारी से, आज कोटद्वार में किया, रुद्रप्रयाग के लोगों से पूछो, सैनिक स्वरूप लिख के सर दिया, उसके बाद कोई नहीं जो मैं कर गया था काम, उसके बाद चिरबेटा में महाविद्यालय रुद्रप्रयाग जिला किसने बनाया? आप मुझे बता दो, जब रुद्रप्रयाग जिला बनाना था तब तो मैं भारी नहीं था ना। अजीत कांबोज हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अजीत, बताएंगे कि आखिर उत्तराखंड में खिचड़ी क्या पक रही है, बाहरी बनाम स्थानीय की लड़ाई चल रही है। अजीत, बिल्कुल
बिल्कुल आपने ठीक कहा। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में हरक सिंह रावत सबसे कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं और हरक सिंह रावत का इतिहास रहा है कि वो दोबारा से पूर्व सीट पर चुनाव नहीं लड़े। अब एक बार फिर से जब चुनावी समीकरण बन बिगड़ रहे हैं तो ऐसे में हरक सिंह रावत की तरफ से कोटद्वार छोड़कर केदारनाथ धाम के जो विधानसभा सीट है केदारनाथ सीट उससे चुनाव लड़ने की एक बात निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इसका भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है लेकिन सीधे तौर पर केदारनाथ के जो स्थानीय नेता हैं जो पूर्व विधायक हैं जो दावेदारी कर रहे हैं उन्होंने इस बात का विरोध भी शुरू कर दिया है कि अगर हरक सिंह रावत केदारनाथ सीट से चुनाव लड़ते हैं तो उनका विरोध यहां पर किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हरक सिंह रावत ने पलटवार किया है कि ना मैं पाकिस्तान से आया हूं और ना ही चीन से आया हूं, तो ऐसे में वो कहीं से भी उत्तराखंड की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अब भाजपा को इसको तय करना होगा कि वो किस सीट से हरक सिंह रावत को चुनाव लड़ाते हैं। हालांकि अभी उत्तराखंड भाजपा की तरफ से सीटों का ऐलान नहीं किया गया है। संभावना है कि 20 तारीख के आसपास उत्तराखंड प्रदेश में 70 विधानसभा सीटों में से कुछ सीटों का ऐलान भाजपा कर सकती है लेकिन उससे पहले ही कई सीटों पर समीकरण बनने बिगड़ने लगे हैं। जी बिल्कुल अजीत, तो कह सकते हैं कि बीजेपी उत्तराखंड में भी अंतर कलह की स्थिति बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। नैनीताल हाईकोर्ट में आज उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को स्थगित करने और आगे बढ़ाने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। नैनीताल हाईकोर्ट को भारत निर्वाचन आयोग ने बताया कि 15 जनवरी 2022 तक उत्तराखंड राज्य में सभी राजनीतिक रैली और जनसभाओं पर रोक है। इसके अलावा सभी राजनीतिक दलों को वर्चुअल मोड पर प्रचार प्रसार करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट को भारत निर्वाचन आयोग ने यह भी बताया है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए कुछ अन्य दिशा निर्देश भी जारी किए गए जो कोविड के मामलों को देखते हुए काफी अहम है। आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड मामले की सुनवाई हुई जिसमें काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह बताया कि जो पब्लिक रैलीज है वो 15 जनवरी तक बैन है और इसके अलावा कुछ और दिशा निर्देश इलेक्शन कमीशन ने इशू कर रखे हैं जो कि काफी है कोविड मामले को टैकल करने के लिए। और कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुनते हुए कहा है कि वी लीव इट टू द इलेक्शन कमीशन टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन इन द इलेक्शन मैटर्स। और इसके अलावा हमने कोर्ट को बताया था कि जो सीनियर सिटीजन्स को बूस्टर डोज लग रहे हैं वो उनके घरों में लगाए जाए क्योंकि दूसरे राज्यों में भी घरों में लगाए जा रहे हैं। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहे और देखते रहे जनता टीवी के खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।